अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन स्टेटमेंट है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं हमने, तो यहां पर हम सपोज करते हैं लेट एक्स एंड, अच्छा क्योंकि गिवन है कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो एक्स के साथ इसका कंसेक्यूटिव नंबर आएगा या तो एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल, यानी कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 8 तो दूसरा लेंगे 9 या 7। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने एक नंबर लिया है एक्स, तो इसके साथ इसका कंसेक्यूटिव नंबर या तो एक्स प्लस वन होगा या एक्स माइनस वन होगा, तो दोनों ठीक होंगे, दोनों लेने से हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो सेम आएगा। सो हमने एक नंबर एक्स लिया तो दूसरा ले लेते हैं एक्स प्लस वन, बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। और कंडीशन थी कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। सो इसका मतलब है हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं x इंटू एक्स प्लस वन कर लेते हैं, विच इज 182। x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स के, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, 182 इक्वालिटी के साइड पर आके माइनस 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो सबसे शॉर्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, तो फैक्टराइज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का 1x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं प्लस का 14x माइनस का 13x, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 1x आता है और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 14, इसी तरह इन दोनों टर्म में से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू 0 है, सो इसका मतलब है x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 14 निकलेगी और यहां से x की वैल्यू 13 निकलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो हम यहां पर इस नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्टिंग नेगेटिव नंबर। सो x की एक वैल्यू 13 निकली, सो एक नंबर हमारे पास 13 आएगा एंड दूसरा नंबर हमारे पास 13 प्लस 1 यानी कि 14। सो यहां पर हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर्स आर 13 एंड 14। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।